कोरोना वायरस के दौरान चंद दिनों में बारिश का मौसम शुरू हो जाएगा और इस साल लॉकडाउन से निर्माण हुई आर्थिक परिस्थितियों की वजह से किसानों की खेती बर्बाद ना हो, इस मकसद से कृषि उत्पन्न बाजार समिति के संचालक मयूर पाटिल ने आंबिवली गांव के किसानों को अनाज के बीज बांटे। बढ़ते शहरीकरण में भी कल्याण से सटे आंबिवली गांव के किसानों ने खेती को जिंदा रखा है। आज भी आंबिवली में दूर दराज ग्रामीण इलाकों में हर साल किसान खेती करते हैं। किसानों को बारिश के मौसम का बेसब्री से इंतजार होता है और चूंकि कुछ ही दिनों में बरसात आने वाली है और इस साल लॉकडाउन खेती बर्बाद होने का कारण न बने, इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कृषि उत्पन्न बाजार समिति के संचालक की हैसियत से मयूर पाटिल ने आंबिवली के किसानों को खेती के लिए जरूरी अनाज के बीज बांटे और आगे भी किसानों की हर तरीके से सहायता करने का आश्वासन दिया। पहले तर मी आपल्या आंबिवली गावातील सर्व शेतकऱ्यांचा अभिनंदन करू इच्छितो की आपल्या आंबिवली गावामध्ये त्यांनी शेती टिकून ठेवण्याचा एक मोठा प्रयत्न केलेला आहे। त्या आता आपल्या परिसरात बघतो बल्लेणी गाव असो आमचा उंबरणे असो, आता इथे शेती होऊन राहिलेली नाही, अजून भरपूर मोठा परिसर आहे आपल्या इथे जो आपल्या कॉर्पोरेशन मध्ये, तर तुमच्या सर्व शेतकऱ्यांचा मी अभिनंदन करेल का आपल्या आंबिवली गावामध्ये तुम्ही ही शेती टिकून शेती करत आहेत, हा तुमचा प्रयत्न चांगला आहे आणि येणाऱ्या वाटचालीसाठी तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा देईल। तसेच बुवा म्हटले तर त्यांनी मला पत्रकारांनी सर एक कॉल केला का आपल्याला बियाणं अवेलेबल होईल का, त्याच्यानंतर किशोर सुरेश पाटील साहेब यांनी सर्वांनी सांगितलं, त्या याच्यामध्ये मी त्यांनी जेवढी लिस्ट बनवून दिली त्याप्रमाणे आता प्रॉब्लेम एक आहे का, तर आपण आहे कॉर्पोरेशन एरियामध्ये आणि जो दुसरा येतो भाग तो जिल्हा परिषद एरियामध्ये येतो, आता जिल्हा परिषद एरियामध्ये येतो त्या गावांना पंचायत समितीमार्फत आधार कार्डवर त्यांना बियाणा मिळतो, परंतु तो पण काही ठराविक जे त्यांच्याकडे येतील ते अवेलेबल असतात ते देतात, त्यानुसार मी किनवली वडगा इथे आपल्या मित्रांना कॉन्टॅक्ट करून की आपल्या आंबिवली गावासाठी या बियाण्यांचा उपलब्ध करून घेतलेली आहे। इसी के साथ ही मयूर पाटिल ने मोहने एनआरसी कॉलोनी स्थित तिपन्न नगर के लोगों को आर्सेनिक एल्बम 30 का वितरण किया। दावा है कि इस होम्योपैथिक दवा का सेवन करने से रोग निरोधक क्षमता बढ़ने में मदद मिलती है, यही कारण है कि भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने इस दवा का सेवन करने की सलाह दी है। आकिब शेख, जीवार्ता न्यूज़, कल्याण।